और ये सुजुकी इनाजुमा अपनी पावर दिखाते हुए ऑफ रोड पे। भाई रास्ता भूल गए हम, रास्ता नहीं मिल रहा। सही जा रहे हैं। ओ हो, VIP VIP। सुभान अल्लाह। सप्लाई जा रही है कराची को पानी की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं काला पहाड़, जिसके दूर दूर तक कोई पहाड़ों का नाम और निशान नहीं है। बेसिकली ये कलरी झील का एक स्पॉट है जो कि ठट्टा में लगता है, ठट्टा से थोड़ा पहले या शायद ठट्टा के साथ ही है। तो बस इस वक्त सुबह के तकरीबन 7:45 हो चुके हैं और अभी हम ये 1, 2, 3, 4, 5 और एक बाइकर और हैं हमारे मदर भाई, जो हमें मेहमान से मिलेंगे। तो बस राइड स्टार्ट कर रहे हैं, निकलते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, इतना आइडिया नहीं है किस तरीके का रास्ता है और क्या है। तो पहले हम यहाँ से गारों पे नाश्ता करेंगे कैफ़े इमरान पे और फिर आगे स्पॉट पे पहुँचेंगे। तो चलते हैं, राइड स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आज ठंड अच्छी है, पिछले हफ्ते हम टर्टल बीच गए थे तो गर्मी हो रही थी, कोई सर्दी का नाम निशान नहीं था, लेकिन आज माशाल्लाह मौसम काफ़ी बेहतर है और ठंडक है। क्योंकि अभी मैंने इस जैकेट के अंदर थर्मल लगाया हुआ है अपनी, जो राइडिंग जैकेट है, और अच्छा हो रहा है, मज़ेदार मौसम हो रहा है। इवन अभी सूरज काफ़ी ऊपर आ गया, लेकिन फिर भी यह है कि ठंडक का एहसास है अच्छी खासी। अच्छा, इस राइड का हमारी जो बेसिकली मकसद जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी इस राइड का जो मकसद था, ये सामने आप देख रहे हैं इनाजुमा, ये हमारे शर्जील भाई ने अभी रिसेंटली परचेज़ की है, ये पुलिस वाला जो वर्जन वेरिएंट है। तो इसकी टेस्ट राइड भी था और एक रनिंग पीरियड भी चल रहा है अभी इस बाइक का। तो हमने कहा चलो एक नाश्ता हो जाएगा कैफ़े इमरान पे और थोड़ी बाइक की रनिंग भी हो जाएगी, थोड़ा हम भी चला के टेस्ट कर लेंगे इसको। और साथ में फिर ये था कि एक एडिशन और कर दिया गया, चलो काला पहाड़ तक भी चले जाते हैं कि एक पिकनिक स्पॉट भी हो जाएगा साथ शामिल। तो बस ये कुछ वजूहत हैं आज की राइड की। तो छोटी सी राइड है, बहुत लंबी नहीं है, मेरे ख्याल से 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है वन साइड। और काला पहाड़ जो किन्नर झील का किनारा है, वहाँ पर हम थोड़ी देर स्टे करेंगे और उसके बाद फिर रिटर्न करेंगे मैक्सिमम 12, 11:30, 12 बजे तक। तो ये आज की कुछ प्लानिंग्स हैं। तो चलते हैं आगे कैफ़े इमरान तक पहुंचते हैं और वहाँ नाश्ते का सीन करते हैं कुछ। ये भाई हमारे मदर भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, रास्ते से रुकना नहीं पड़ा, हमें लोकेशन को फॉलो कर रहे थे, हमारी लाइव लोकेशन को, और चलते चलते इन्होंने हमें हदीद से ज्वाइन कर लिया। और अभी हम दावे जी से तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे हैं और दावे जी के बाद लेंगे स्टॉप हम घरों पर। ठंड मज़े की हो रही है, एंजॉय वाली, लेकिन हमारे शर्जील भाई आज जैकेट पहन के नहीं आए, वो पिछले इतवार वाला सीन समझ रहे थे कि ठंड नहीं होगी और इस वक्त कहाँ पर आए हूँ सर्दी से। चल जी घरों पहुँच गए हम, खुरामा 60 की स्पीड पे, क्योंकि इनाजुमा की हम रनिंग पूरी कर रहे हैं तो भगा नहीं सकते ज़्यादा। और कैफ़े इमरान में खालते गारो सिटी क्रॉस करके आता है, हाँ मतलब मेन सिटी में नहीं है, थोड़ा सा बाहर निकल के कैफ़े इमरान आएगा। और रास्ते में काफ़ी बाइकर्स देखे हैं तो मेरे ख्याल से रश होगा कैफ़े इमरान पे। ये रहा सामने भाई कैफ़े इमरान, इसकी पार्किंग पीछे है बाइक की, मेन पे तो नहीं होगी बाइक, बाइक की पार्किंग यहाँ पे। आज तो भाई ये BMW आई हुई भाईजान 1250, इसको कहाँ लगाए, इधर लगा दो भाई। हाँ जी, हम ये डिसाइड कर रहे हैं ऊपर बैठेंगे नीचे बैठेंगे, ऊपर बैठेंगे, यहाँ बैठिए, यहाँ बढ़िया किनारे। चार लोग तो हैं,
हम भी नहीं बन रहे बिल्कुल। आ गया नाश्ता हमारा, कीमा और छोले और आमलेट, पाकिस्तानी आमलेट। चला भाई नाश्ता आ गया, नाश्ता कर लें फटाफट, भूख टाइट लग रही है। 9:04 हो गए, नाश्ता करते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं ट्रैवल का। चलें भाई नाश्ता हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन 1 घंटे का हमने यहाँ स्टॉप ले लिया घरों पे। यहाँ से निकलते हैं आप, 50 किलोमीटर्स का और डिस्टेंस है यहाँ से काला पहाड़ या धोर किंचर लेक। तैमूर भाई मेरे साथ, तैमूर ताहिर। अब आ रहे हैं बाइकर्स काफ़ी ज़्यादा, शुक्र है हमने सही टाइम पे ब्रेकफास्ट कर लिया क्योंकि रश नहीं था और सुकून से हो गया हमारा सारा सेटअप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़रलना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रनीन। ये सीन है भाई चलो आप दोनों आप ज़रा इसे करीब आ जाओ मदर भाई, इनके ज़रा आप दोनों की साथ साथ बना दूँ एक वीडियो। बन रही है ना वीडियो? हाँ बन रही है। मेरा मैं आपके साइड से आ रहा हूँ, राइट से। हाँ साइड साइड बाय साइड। चलो 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 आ गया भाई हमारा टर्न, और ये चिलिया वन से ही लेफ्ट टर्न है और यहाँ से ऑफ रोड है स्टार्ट। और यहाँ आने का जो मकसद था वो इनाजुमा पे हमें ऑफ रोड टेस्ट करना था, और इस वक्त इनाजुमा पे मज़र भाई बैठे हैं, शर्जील भाई RX1 पे हैं, तो दोनों एक दूसरे की बाइक्स टेस्ट कर रहे हैं। पानी यार काफ़ी चौड़ा हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का, इतना ज़्यादा पानी आज तक देखा नहीं इसमें। ये आ गया भाई, ओह हो चिलिया का बंदा, वो पत्थर है ना नीचे बंद खुले हुए हैं। अच्छा यहाँ से हमने लेफ्ट लेना है, चलो वापसी पे देखेंगे यार, बंद पे थोड़ा सा रुकेंगे। ये है असल खूबसूरत, यहाँ रुकेंगे इंशाल्लाह। यार इधर प्रॉपर जगह है सेटिंग की ना, यहाँ बैठेंगे वापसी में। ये लो भाई मट्टी वाला रास्ता शुरू हो गया, ओ तेरी बचत हो गई मज़र भाई की, बिल्कुल धूल। ये वही रास्ता है जो कीचड़ बना होता था बारिशों के टाइम पे। अबे हम सीधे हाथ से जाते तो ज़्यादा सही था, हम गलत मट्टी में उतर गए। वो ट्रैक भी तो जा रहा है, दो ट्रैक हैं भाई, बहुत मट्टी। बहुत मट्टी वाला ट्रैक है। लो ये भी वहीं पर ही आके मिल रहा है। वाह 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 यार, ये थोड़ा सा जो है ना वो टोंग टोंग वाला रास्ता याद आ रहा है इसको देख के, उधर मिट्टी ज़्यादा है लेकिन यहाँ मिट्टी कम है। थोड़ी हाथ मार लो ओ भाई सही जा रहे हैं सी हाँ पता चल अंदर अंदर नूरियाबाद कच्चे के रास्ते सीधा नूरियाबाद पे। और ये सुजुकी इनाजुमा अपनी पावर दिखाते हुए ऑफ रोड पे, ओह दुल्हा नहला दिया भाई मट्टी में। वाह मदर भाई,
वो वाला ट्रैक सही था, हम फिर मट्टी वाले ट्रैक में घुस गए। ओ कालिया पहाड़िया, ओ आ जाओ ए। यार था तो यहीं पर ही। लगाओ डायरेक्शन, नूरियाबाद आ गया। मट्टी मट्टी भाई, रास्ता भूल गए हम, रास्ता नहीं मिल रहा। डायरेक्शन ना लगाने के नुकसान। अबे भाई रुक जाना, सबर कर जा भाई, सबर कर जा। हाँ चल रहा है मेरा। आगे से यही रोड मिलेगा उसको, लेकिन ट्रैक चेंज हुआ है। यार ये यहाँ बता रहा है, देख यहाँ हम खड़े हैं, ये सीधा ये काला पहाड़ स्कूल है ये, और यहाँ पे जाना है हमें, हम यहाँ खड़े हैं। और रास्ता दे तो तेरी, मैंने कहा पीछे आ रही पलट के। हाँ जी ये वाला मोड़ है पहाड़ की इस तरफ से। सही रास्ते पे चढ़ गए अब हम इंशाल्लाह। सही आ रहे हैं। रो रहा है उधर, बोले क्या दे दिया हाथ में। अरे शॉक्स वर्किंग करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो नजर आ रहे हैं कि हार्ड वर्किंग है उनकी, वो उस तरह वर्किंग नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा, सेट हो जाएगी ये। हाँ ये बात भी है। पूछते हैं उनसे, पूछ लें तो उनसे, पूछ लो ट्रॉलर चला रहे हैं। ये है ना बंदे, इनसे पूछ लो। ढोर 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 चलिए अपन। नहीं नहीं बस आ गया ना यार, करीब ही हम, जितना दूर थोड़ी है, एक डेढ़ किलोमीटर भी नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारे चक्करों में हम आपको पूरा आगे तक लेके जाएंगे। अबे यार तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी बाइकें लेके, तुम लोग इतने से छोटे ट्रैक पर घबरा गए, जरार से ले गए तो क्या होगा। अरे यार मदर भाई खैर होती है। यार ये भाई मोटरवे पे चढ़ गया बदर, अबे तो नीचे भी सही है, ऊपर क्या है। आगे बंद है।
वैसे रोड बन रही है, ज़्यादा टाइट वाली, ये बात है, काम चल रहा है यहाँ पे। इसकी वजह क्या है पीछे, इसको सुराख निकालना पड़ेगा इसका। आ गया भाई, गांव आ गया, वाइब्स आ गई बदर को। यानी कि अगर बंदा डायरेक्शन लगा कर आए तो मुश्किल हो जाएगा उसको, डायरेक्शन ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि वो डायरेक्शन जो आ रही है ना गवर्नमेंट तक आ रही है, गवर्नमेंट स्कूल से आगे वो डायरेक्शन उठा ही नहीं रहा गूगल। खैर पूछ पूछ के भी जा सकता है बंदा। कांठा पड़ा है, कांठा ये कहाँ ले आया? ओ भाई गलत ले आया तुसी। बदर कह रहा भाई पानी ऊपर आया हुआ है। यार मुझे तो नहीं लगता ये सही है। मैं देख कर रहा हूँ, चलो भाई यहीं पर ही लगाएं बाइक्स। काला पहाड़ के साथ क्या हुआ भाई? यार मुझे नहीं लगता ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट तो नहीं लग रहा मुझे। अरे हाँ जी, वो भी डूबी हुई है। ओ हो, VIP। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा भाई यहाँ पहुँच गए हम काला पहाड़ पे, धोर काला पहाड़, और बेसिकली ये किंजर लेक का किनारा है। इनाजोमा को हमने दे दिया टफ टाइम, शर्जील भाई ने तो नहीं चलाई लेकिन जो चला रहा था उसको पता लग रहा है। 100 रुपये kg स्क्रैप पे रेट। तो इतनी ख्वारी करने के बाद और हमें मिला क्या है यहाँ पे भाई? पानी बहुत ऊपर तक आया हुआ है, वो जो ग्रास वाला सीन था सामने वो सब ख़त्म हुआ हुआ है, ये सीन है। ये देखना भी फिर क्या होता है ये भाई, ये वो पॉइंट है जहाँ पे लोग बाइक्स वगैरह लाते हैं, उसके साथ ही है यहाँ पे। और पानी की आप कंडीशन देख लें कितना ऊपर चढ़ा हुआ है। हालांकि जब बारिशों का दिन चल रहे थे तब भी इतना ज़्यादा पानी नहीं था, ये अभी पता नहीं पीछे से आया होगा पानी तो झील और बढ़ गई है। तो अभी हम लोग बदर यहीं पर ही रुक रहे हैं या उधर जा रहे हैं? आगे चक्कर लगा लेते हैं ना, एक नज़र देख लेते हैं। अबे भाई डैम पे चल के बैठते हैं, छोड़ो वो पीछे चिलिया बंद पे, चिलिया बंद पे चलते हैं मेरे ख्याल से, तो यहीं से निकलते हैं वापस, दूसरे पॉइंट को छोड़ो बस, यहाँ थोड़ी सी मैं वीडियो बना के। तो भाई ये सीन है, यहाँ पे आके ये मिला है, हमें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सीन होगा। बहरहाल एक तो रास्ता भी नहीं मिल रहा था, डायरेक्शन में लगाई भी नहीं थी क्योंकि बदर पहले आया हुआ है, तो हमें यही था कि यार हो जाएगा सीधा सीधा पहुँच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे रोड वगैरह बन रही है, कुछ चल रहा है काम भी, वर्किंग कंस्ट्रक्शन का, तो उसकी वजह से भी थोड़ी इसको कन्फ्यूजन हुई, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए पॉइंट पर, इतना मसला नहीं हुआ। और पीछे रास्ते की हालत आपने देखी कितना धूल मट्टी है, तो ये सीन है। और अच्छा, काला पहाड़ की जो कहानी है मैं बताना चाह रहा था, काला पहाड़ बेसिकली यहाँ पे जंगशाही के साथ कारो जबल एक पीछे लगती है कीरतर माउंटेन रेंज के अंदर, तो वो बेसिकली काला पहाड़ उसको कहते हैं, और कारो जबल के नाम से उसको सिंधी में कारो जबल कहा जाता है। तो वो एक अच्छा स्पॉट है वहाँ पर भी, लेकिन ऑफ रोड बहुत ज़्यादा है और मानसून की बारिशों के बाद जाने वाली जगह है, और उसी के नाम से इसको इन्होंने मंसूब किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पीछे शायद एक गवर्नमेंट स्कूल है काला पहाड़ गवर्नमेंट स्कूल, तो उसकी वजह से इसको लोग शायद काला पहाड़ कहते हैं, वरना लोकल तो इस जगह को ढोर कहते हैं। और ये भी एक किंजर लेक का किनारा है, तो बस अभी यहाँ 5-10 मिनट में यहाँ खड़े होंगे, और उसके बाद पीछे हम चिलियाबंद बड़ा खूबसूरत हो रहा था इस वक्त, तो वहाँ पर जाके रुकेंगे, तो निकलते हैं यहाँ से और फिर आपको चिलियाबंद के जो हैं मनाजिर वहाँ के दिखाते कि वो कैसा हो रहा है। चले भाई वापसी का सफ़र शुरू, काला पहाड़ ने तो दे दिया हमें धोखा। चलिए यहाँ पहुँच गए हम चिलियाबंद पे, और बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल हो रहा है, काला पहाड़ तो हम सही से एक्सप्लोर कर नहीं सके,
क्योंकि पानी बहुत चढ़ा हुआ है, तो हमने कहा चलो चिलिया बन पे रुकते हैं। ये है भाई बन का डोर, ये देखें जो कि इस वक्त बंद हुआ हुआ है, और यहाँ इस तरफ से ये बाहर निकल रहा है, सप्लाई जा रही है कराची को पानी की। सुभानअल्लाह, ये है भाई साफ़ सुथरा मीठा पानी कलरी झील का, जो कि चिलिया बन के थ्रू गारो धाबे जी और कराची की तरफ जा रहा है, और भूत बन गए भाई। बड़ा ही गंदा ट्रैक था, मट्टी मट्टी ऊपर से नीचे तक मट्टी मट्टी भरी हुई है। तो कुछ यहाँ से आपको दिखाते हैं थोड़ा आगे से। पुरसकून माहौल हो रहा है बड़ा ही भाई, सुभान अल्लाह। ये दरख्त और इसकी छांव, और छांव में ठंडी ठंडी हवा, सुभान अल्लाह। ये सीन है यहाँ के, बड़ा ही पुरसकून माहौल हो रहा है। सुभान अल्लाह, सही बड़ा दरख्त है भाई, माशाल्लाह। तो ये थी कुछ आज की राइड इनाजुमा और RX1। मैंने तो नहीं चलाई, मौका नहीं मिला, लेकिन जो इन लोगों के रिव्यूज़ हैं तो उसके हवाले से इनाजुमा जो है वो प्योर ऑफ रोड बाइक है। ऑफ रोड पे थोड़ी सी इसकी जो सस्पेंशन है अगली, वो बड़ी स्टफ सस्पेंशन है, तो खड्डों में ज़रा झटके दे रही है बहुत ज़्यादा। और RX1 मैं चला चुका हूँ, तो RX1 तो बहुत स्मूथ ज़बरदस्त बाइक है। तो अगर टूरिंग प्योर टूरिंग बाइक अगर लेनी है, तो मेरे ख्याल से आप RX1 की तरफ जाएँ, और अगर आपको रोड बाइक की तरफ ज़्यादा रुझान है तो इनाजुमा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये EFI है, जापानीज़ टेक्नोलॉजी है, और नई बाइक 9,30,000 रुपये की मिल रही है अभी इस वक्त ये सुजुकी वालों से, तो बेस्ट ऑप्शन है। तो ये कुछ आज का ट्रिप था हमारा, इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी जगह पे और किसी अच्छी सी जगह पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। यहाँ से नीचे रास्ता जा रहा है, मैंने कहा चलो ये भी ज़रा देखें यहाँ से क्या सीन है। ओ हो 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 हो, चलो मदर भाई, यार मदर भाई मेरे ख्याल से ये साइड अब सही आ पाए ना, इस साइड पे यहाँ से उतरना ज़्यादा आसान है। यहाँ से भैया शूज़ अच्छे होने चाहिए बस आपके पास, हाँ टेढ़ा करके नीचे उतरो। कीचड़ है भाई, ओहो थोड़ा पीछे तक बनाया ना यहाँ से, ये गहरा है पानी, आराम से आराम आराम से। तो भाई चिलिया बन के नीचे भी आ गए हम बिल्कुल, वो सामने बनते स्पिल वे जहाँ से बिल्कुल हल्का हल्का पानी आ रहा है, बहुत स्पीड में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ प्रेशर है, सुभान अल्लाह।